अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बड़े का स्टू। मैं बिल्कुल एकदम यूनिक तरीके से बताऊँगी। रमज़ान आने वाले हैं, आप अपने घर में एक बार ट्राई करिए और रमज़ान में ये वाली डिश बनाई है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है ये। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगी, मेरे इस मेथड को फॉलो करिए और बिना स्किप किए मेरी वीडियो को फुल देखिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ के जी बड़े का मीट लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज़ की ऑनियन लिए हैं, इसको बारीक कट कर ली है। यहाँ पे हमने 4 बड़े टमाटर मीडियम साइज़ के लिए हैं और बारीक कट कर लिए हैं। यहाँ पे हमने खड़े गरम मसाले लिए हैं, 1/2 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है और नटमेग लिया है और थोड़ी सी जावित्री ली है, जायफल लिया है थोड़ा सा, इसको हम ग्राइंड कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, जिसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसको हल्का दरदरा सा पीस लेना है। इसको स्किप नहीं कीजिएगा, ये ज़रूर ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है हमारा स्ट्यू का। हमारा धनिया भी रोस्ट हो चुका है, चलिए आगे प्रोसेस पे चलते हैं। गैस पर हमने कुकर चढ़ा दिया है, अब इसके अंदर 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर ऑनियन को ऐड करेंगे और खाली हमें 30 सेकेंड के लिए फ्राई करना है। अब इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे, अब टमाटर को ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें खड़े गरम मसाले डालने हैं, 2 हमने तेज़पत्ता लिया है और 6-7 हमने हरी इलायची, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 4 लौंग ली हैं, इसको ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद हमने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। इसके बाद हमें अच्छे से चला देना है। यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसके बाद शामिल करेंगे हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट। इसके बाद हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया। और इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा, जायफल और जावित्री, इसको हमने दरदरा कूट लिया था। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 कप दही, अच्छे से मिला दें और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 6-7, हमने 7 लाल मिर्च ली है साबुत, इसको हमने कट कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हमें हरी मिर्चें भी ऐड करनी है। यहाँ पे हमने हरी मिर्चें ली हैं 7, इसको भी हमने बड़ी बड़ी पीसेस में कट कर ली हैं, इसको भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हमें पानी को ऐड करना है, पानी मैंने 1 गिलास ऐड किया है और इसको हमें कम से कम आधे घंटे तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। कुकर का ढक्कन लगा दिया है हमने, अब ये पकने के लिए तैयार है। गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी थी और हमने इसी के प्रेशर में छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। ये देखिए, हमने आधे घंटे बाद खोल के देख रहे हैं, देखिए माशाल्लाह हमारा एकदम स्टू बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। ये देखें, देखने से ही पता चल रहा है हमारा स्टू बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब ये हमारे ग्रेवी जो है साबुत साबुत नज़र आ रही है। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्लेम को ऑन करके इसको हम चम्मच की सहायता से मैश कर लेंगे। ये देखें, हमने इसके अंदर प्याज को जो ऐड किया था वो साबुत साबुत नज़र आ रही है, तो इसको चम्मच की सहायता से हमें मैश कर लेना है। यह हमारे स्टू ने भी तेल छोड़ दिया है, अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और गार्निश कर देते हैं हरा धनिया। अब करेंगे हम इसे डिश आउट। लग रहा है ना हमारे स्टू एकदम परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा, कल अब आप बनाइएगा। ये लीजिए, हमारे स्टू एकदम सुपर डिलीशियस बनकर तैयार हो गया है और कल बताइएगा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। और फ्रेंड्स बताइएगा कैसी लगी मेरी ये वीडियो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें और मुझे आगे बढ़ाएं। इसी तरीके से मैं आपके लिए नई नई यूनिक रेसिपी लाती रहूँगी। और फ्रेंड्स, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। मेरे 126 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मुझे प्लीज़ ऐसे ही सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं एक और नई रेसिपी की तरफ। अल्लाह हाफिज़।